लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Yeah.
ये कैसा नृत्य है? क्या किया है ये तुमने? वही जो आप चाहते हैं। आप यही चाहते हैं ना कि आपने जो संगीत रचना की है, स्वरों की आत्मा को जगाया है, उसे एक साकार रूप, एक शरीर मिल जाए नृत्य के सांचे में टलकर। मगर तुमने जो मेरे संगीत को ये रूप दिया है, ये रोड साइड रोमियो, ये सड़क छाप बजनों का नाच, सस्ता घटिया और तुम सबका कठपुतलियों की तरह नाचना बिना किसी भावना के, क्या तुम इसे महान समझते हो? महान तो नहीं, मगर मगर क्या, कोई कला महान नहीं हो सकती, चाहे वो संगीत हो या नृत्य, जब तक वो भावना से भरपूर ना हो, उसके पीछे को ऊंची कल्पना ना हो। तो पहले उस ऊंची कल्पना की खोज, चाहे मुझे अपना सारा संगीत क्यों ना बदलना पड़े। ठीक है, मगर इतनी मेहनत के बाद राजकुमार। राजकुमार नहीं, कैलाश। राज गया, राजकुमार गया, रह गया सिर्फ कैलाश और उसका यह हैमंड ऑर्गन, अलग अलग कितने ही साजों के स्वरों को बिखेरता हुआ। उसके ये हाथ उन स्वरों से उलझते, बचपन ही से उन्हें नए सुरों में ढालते, हारते फिर कोशिश करते। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अलकनंदा, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको पहचानती हूँ। अखबारों में आपकी बड़ी बड़ी तस्वीरें आती हैं, आपके संगीत के बारे में जो लिखकर आता है वो मैं हमेशा पढ़ती हूँ। यहाँ क्यों आई हो? देखने। देखने? नहीं, यहाँ रहने। रहने? आपके इन कलाकारों के साथ। किस लिए? नृत्य सीखने, इनकी तरह। मगर तुम्हारे माँ बाप? माँ नहीं है और पिताजी। पहले कभी नृत्य किया है? कौन सा? भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी? सीख नहीं सके। तो क्या जानती हो तुम? वो कली खिलती है ना सूरज की पहली किरण में, मैं उसकी तरह खिल सकती हूँ। वो लहरें हैं ना सागर की, किनारे से टकराती, मैं उनकी तरह तड़प सकती हूँ। क्या पागलपन की बातें करती हो? जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए। ये घुंघरू मेरी माता जी ने दिए थे मुझे मरते समय नृत्य सीखने। उठाओ इन्हें, ये कोई पाठशाला नहीं, उठाओ। जाओ माँ। मैं पूरा न कर सकी, तेरे पिता वो डॉक्टर है ना, वो समाज से घबरा कर नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी एक नाचने वाली कहलाए, तो मैंने नृत्य छोड़ दिया, घुंघरू छिपा दिए। मैं तड़प रही जीवन भर जैसे मछली जल में माँ। मगर बेटी अब जमाना बदल गया है, हो सके तो मेरा सपना तू पूरा करना, मेरी आत्मा तेरे और इन घुंघरुओं के संग ही रहेगी। ले बेटी। जल बिन मछली, ये भी मैं भी।
अनोखी लगन, ये है वो नृत्य जैसा कि मैं चाहता हूं। भावनाओं से भरपूर, दिल की गहराइयों से फूटता है। जाने के लिए आई हो तो जरूर जाओ।
और अगर इसलिए आई हो कि तुम्हारे पांव में घुंघरू छनकने लगे तो दोबारा जरूर आना कल की। सच? मैं यहीं रहने इस ललित महल में? कभी कली बनने खिलती हुई, कभी लहरें किनारे से टकराती, कभी पुरवाई बहती हुई। ओह, पुरवाई, बहती हुई पुरवाई। अलकनंदा, फिर घुमरू, फिर वही पागलपन जो तुम्हारी मां को भी था। और वो मर गई। अलकनंदा, मैं जानता हूं बेटी, तुम्हें तुम्हें मुझसे वो प्यार नहीं मिला जो अपनी मां से मिलता, मगर पिताजी। अलका, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है नृत्य सीखना है तो शादी के बाद सीखना। शादी? शादी? कल कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं बेटी। हाँ, मुझे देखने? कल तो मुझे ललित महल जाना है पिताजी। ललित महल नृत्य सीखने? देखिए ना, ये भी उतने खुश है जितने कि मैं। अलकनंदा, याद रहे कल वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। आंसुओं की जगह काजल, घुंघरू की जगह पायल। अरे इस पहनावे की जगह कोई अच्छी सी साड़ी, समझी? ठंडा हो जाएगा बेटा। भूख नहीं है माता जी। तुम्हें नहीं होगी, मगर तुम्हारे इन कलाकारों को। आप ठीक कहती हैं माता जी, आप लोग खाना खाने जाइए। क्षमा करना मां, देर हो गई। वाह, भोजन हो तो ऐसा, तुमने अपने हाथ से बनाया है ना मां? तुम जैसी मां किसी की नहीं होगी। सभी माएं एक सी होती हैं बेटा, पर हमेशा अपने बेटों का साथ नहीं दे सकती। मां, मैं जानता हूं तुम क्या कहने वाली हो। शादी, यही ना? कोई तो होना चाहिए तुम्हें संभालने वाला मेरे पीछे। मां, मेरे हृदय में अब और किसी की जगह नहीं है, वहां मेरा संगीत है और तुम। मगर मेरे हृदय का जो एक कोना खाली है बहू के लिए। लेकिन मां, अगर तुम्हारी बहू अकेली ही रही, मुझे पाकर भी उसे वो ना मिला जो मिलना चाहिए, सब कुछ होते हुए भी, तो और क्या दूं तुझे? क्या है दयाल जी? ये केबल कायरा से आया है, पेरिस से आने वाले हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? तो राजकुमारी रूपमती और चमन राय बच गए। शुक्र है। वो दोनों कल शाम को यहां पहुंच रहे हैं। ठीक है। ये रूपमती
गंगानगर की राजकुमारी जो पेरिस में थी बचपन ही से। वापस आ रही है? हाँ। अच्छा है, बहू ना सही, कोई तो मिल गई आपका मन बहलाने। बेटी। लक्ष्मी जी आई। सुना है वो घराना बड़ा पैसे वाला है, राज करोगी बिटिया? राज करोगी? मेरा भाई, आज घर घर तेरी पूजा होती है, पर जब तू कृष्ण मंदिर में नाचने गई थी तो तेरी ननद उदाबाई ने भी यही कहा था ना, राज करो। रत्न जड़ित आभूषण सजके भोगो भोग अपारी। मीरा जी ऐ चलो महल में, तुम्हें सौगंध हमारी। भक्ति गहना तन साजे, मन संतोष सिंगार। ओढ़ी चुनरिया प्रेम की, गिरिधर अपने घर समझिए। ये लीजिए साहब, लीजिए ना, आप तकल्लुफ कर रहे हैं। सरा ऊपर। माफ कीजिएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। That's all right. अलकनंदा कहाँ है? यह चिट्ठी आपके नाम छोड़ दे रही और गहने भी उतार कर रखती है। नमस्ते, आप मुझे देखने आए हैं ना? क्षमा कीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं, आपका भी नहीं। रूप किशोर जी, मैं किसी का कोई दोष नहीं, ऐसा भी होता है कभी कभी, बेटी वालों के लिए आज्ञा दीजिए। वहीं गई होगी ललित महल में। घबराइए नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपके नाम को धब्बा लगे। तुम चुप रहो, वो मर गई। राजकुमारी रूपमती आ गई। आइए आइए, तशरीफ लाइए। राजकुमारी, ये यूरोप नहीं भारत है, राजमाता की चरण छो। हाँ हाँ हाँ, दोनों हाथों से। ये अपने देश की सभ्यता से दूर रही है ना राजमाता, पर सीख जाएगी धीरे धीरे आपकी छत्र छाया में।
राजकुमारी, शुक्र है भगवान का तुम बच गई। बच गई? प्लेन एक्सीडेंट से। यही नहीं, मैं भी राजमाता। हाँ, प्लेन एक्सीडेंट, बड़ा मजा आया, थ्रिल, एक्साइटमेंट। शाही खून है ना लोगों में। राजकुमार कहाँ है राजमाता? अपनी संगीत शाला में। ओ, म्यूजिक रूम। राजकुमार को संगीत की इतनी लगन है कि वो कभी कभी अपने आप को भी भूल जाता है। ओह, म्यूजिक लवली। चलिए मामा जी, हम खुद ही जाके राजकुमार से मिल लेते हैं, उनके म्यूजिक रूम में, उन्हें सरप्राइज देने, चौंकाने। राजमाता की आज्ञा से राजकुमारी। तो आज्ञा। नलिनी, तुम साथ जाओ। दयाल जी। जी। राजकुमारी सुंदर है ना? बहुत, खास अपने ढंग से। हमारे कैलाश को पसंद आ जाएगी ना? जी। दयाल जी, जब राजकुमारी बच्ची थी तो मैंने उसकी माता को वचन दिया था कि वो हमारी होगी, एक दिन हमारी बहू बनने। वचन दिया था? राजकुमार को ये बात मालूम है? नहीं। क्यों नहीं बताई अब तक? दयाल जी, मैं उन माओं में से नहीं जो शादी ब्याह के मामले में सिर्फ अपनी ही खुशी देखती हैं, अपने बच्चों की नहीं। ठीक है, मगर वो आपका वचन देखा जाएगा। किसने बजाई ताली? ओ, राजकुमारी रूपमती। मुझे लोग अंकल रॉयल कहते हैं, पेरिस वाला, राजकुमारी का मामा, चमन रॉय। खुशी हुई। हुई? हाँ, यस। ये सब मेरे कलाकार हैं। अलकनंदा, हमारी नई कलाकार आज ही आई है आपसे जरा पहले। वंडरफुल, वंडरफुल पर्सनालिटी, क्या शख्सियत है ना? प्लीज अंकल राय, चलिए, बहुत समय बर्बाद कर लिया एक कलाकार का। पहला दिन है समय बर्बाद करने का? जी नहीं, मुलाकात का। थैंक यू। थैंक यू। ओह, नमस्ते। ओ, चिकन। क्या देख रही हैं राजमाता? नेकलेस वही है ना जो आपने इसे बचपन में दिया था, सगाई का नेकलेस? हाँ, वही। तभी ये बच गई। ओह, फिर संगीत। अब मेरा पगला बेटा खाना खाने नहीं आएगा। मैं ले जाऊं? तुम? आपका आशीर्वाद लेकर। संभल कर जाना बेटी, जब राजकुमार संगीत में मग्न हो तो उसके पास सिर्फ राजमाता ही जा सकती है। या राजमाता की होने वाली बहू। सागर की लहरें आई आई, किनारे से टकराई और फिर वापस खिसकती तड़पती, आहें भरती दोबारा आने के लिए। सागर की लहरें आई आई, किनारे से टकराई और फिर वापस खिसकती। गांधी
कौन का समर कहा तुम्हारा? बेताले कहीं के जाओ दफा हो जाओ। सुने, हमने जो टुकड़ा बांधा है इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना? नहीं, देखिए तो सही। राजकुमारी, ये उनके लिए? हाँ, तो फिर आप वापस क्यों जा रहे हैं? उनका गुस्सा। भोजन मैं पहुंचा दूं? लाइट तो मैं हूं, तो खिलाएंगे भी आप? आइए। जाओ तुम सब भी खाना खाने जाओ। देखते नहीं राजकुमारी भोजन लेके आई है। अलकनंदा, वो छड़ी देखी? जाओ ना, राजकुमारी का अपमान नहीं होना चाहिए। जाओ, आप सब भी जाइए। ये तो ठीक है, चलो दोबारा शुरू करो। हैं, कहां गए सब? भोजन करने। भोजन? किसने कहा था जाने को? मैंने। तुमने? केदार, अब खाने के बाद? खाना हाजिर है। आपने अभी तक नहीं खाया? आपने कुछ नहीं। बैठिए। कहाँ है आप? किसी महान कल्पना की खोज में, अपने संगीत के लिए। लगता है आप हमेशा खोए रहते हैं। यही मेरी जिंदगी है। खोए रहना, खोकर कुछ पाना। अपने लिए? नहीं, उनके लिए जिनकी जिंदगी में सुल्तान नहीं। जैसे कि मेरी जिंदगी। जी, जो एक बार मौत को छुआई। इसीलिए तो आप इतनी जिंदा हैं। शुक्रिया। जरूरत से ज्यादा। तो क्या करूं कि जिंदा भी रहूं लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं? सोचिए कि जिंदगी क्या है। क्या है? किसी के लिए संगीत, किसी के लिए सिर्फ भोजन। संगीत। मैं चीखना चाहती हूँ, चिल्लाना चाहती हूँ उन चीजों के लिए जो मिलना मुश्किल है। मोहब्बत, राजकुमार। राजमाता, राजमाता आ रही हैं। क्या हुआ? राजकुमारी बड़ी परेशान है राजमाता। अब वो कहती है हम वापस चले जाएंगे। देखिए ना, सरकार का नेकलेस भी तोड़ डाला है। क्या बात है राजकुमारी, अभी से घबरा नहीं बेटी? घबराओ नहीं तो क्या करूं? वो हर वक्त अपनी म्यूजिक, अपनी कलाकारों में खोए हुए, और मैं। तुम ठीक कहती हो, मगर तुम ही निराश हो गई तो मुझे बहू कैसे मिलेगी? धीरज धरो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तो कोई भी नहीं। आपको भ्रम हुआ है? तो ये गिर कैसे पड़ा? हवा से? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है।
क्या बात है बेटा? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं सोचता। तो मत सोचो चंदी, खुली हवा में जाओ, शिकार खेलो। तुम्हारी बंधु उसे भी पड़े पड़े जंग लग गई है। हाँ माता जी, ठीक कहा आपने। सुरेश, मेरी बंदूक के रिवॉल्वर निकालो। जी सर। आओ राजकुमारी, तुम्हें भी शिकार का शौक है ना? जी हाँ, बहुत। इसका निशाना कभी नहीं चूकता। अच्छा, तो जाओगी ना बेटी? कोई ले चले तो? क्यों बेटा? राजमाता का हुक्म कौन टाल सकता है? केदार भैरवी, अलकनंदा, तैयारी करो, हम सब शिकार को जाएंगे। कहीं आपके गर्दन टेढ़ी हो गई तो? संभलना। क्यों? शेर। निशाना ठीक नहीं लगा। शेर जख्मी हो गया है, अब और भी खूंखार हो जाएगा। संभलना, शेर जख्मी हो गया है। बंदूक मुझे दो। नहीं नहीं, मत। प्लीज प्लीज। शेर किस तरफ है? इस तरफ है। इस तरफ? अंकल रॉयल, आपकी बंदूक अगर शेर ने उठा ली तो? हाँ हाँ, थैंक यू। ये क्या? मैंने आपको बचाने की कोशिश की, आप नाराज हो गए। जानवर मरी गया मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सताया था इसने। आइए सरकार, अब हम आप लोगों का तनिक मनोरंजन करेंगे। आइए चलो। अलकनंदा, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसी सूरत क्यों बना रखे हैं? आज तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है कैलाश जी की जान बचाकर। तो नाराज क्यों हुए? नाराज? मुखिया ने कहा है सब लड़के लड़कियां नाच के लिए तैयार रहे। हाँ, मैं उनकी नाराजगी दूर करना जानता हूँ। तुम चलो, मैं अभी आया।
Thank you.
वाह वाह, क्या लाजवाब नृत्य किया है। ये मेरी तरफ से प्यारी नागिन, इनकी नाचने वालियों पे पानी फेरने का इनाम। सुनो, जरा अपना जलवा तो दिखाओ। अलकनंदा, तुमने मेरी जान भी बचाई और आन भी। केदार, तुम शाबाश। अलकनंदा, शाबाश। आओ बेटी, तुम्हारे कारण हमारे राजकुमार को एक नया जीवन मिला। ये तुम्हारे एहसान का बदला नहीं, एक माँ की ममता की निशानी। मैं इसे संभाल के रखूंगी। और खुद भी संभालना। जी, तुमने बिना वजह अपनी जान खतरे में नहीं डाली, वो भी किसी पराए के लिए। नहीं, वो पराए नहीं, हमारे हैं। क्या बताऊं, हम सब कितना चाहते हैं उन्हें। लेकिन चाहत और प्रेम में बड़ा फर्क होता है अलकनंदा, ये मत भूलना। नहीं भूलूंगी, इसके होते हुए। तुम्हारा शक बिला वजह है राजकुमारी, लेकिन जो अलकनंदा ने किया है वो तुमने किया होता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। कली, पुरवाई, लहरें, सुंदरता, प्रेम, तड़प, सभी विचार सुंदर, अपनी अपनी जगह। जीवन के छोटे छोटे टुकड़े, मगर आकाश बेल जैसे, जिस पर फूल नहीं खिलते, जिसकी जड़ें धरती में नहीं होती। समझ में नहीं आता, आप चाहते क्या है। कितनी बार कहूं, कोई ऐसा विचार जिसमें पूरा भरपूर जीवन सिमट आए, कोई ऐसी कल्पना जिससे हमारा संगीत अच्छी तरह निखर आए, सारे संसार को चमकाने। संभलना, वो सूरज है, जल जाएगी। जल जाऊंगी, हाँ, धरती की तरह। महातेजस्वी प्रचंड सूरज, ज्वाला ही ज्वाला, जलता है, जलाता है, और धरती प्रीत की मारी दिन रात उसके गिर्द घूमती, परिक्रमा करती अपनी प्रीतम की, तपती, तड़पती, सुलगती। मन में बस एक ही धुन कि एक बार उस तक पहुंच जाए, भले ही लाखों वर्ष में एक बार उसके गले लग जाए, और फिर चाहे जल जाए, भस्म हो जाए। यही धरती की प्रेम कहानी है, और यही उसका अंत। हाँ, यही उसका अंत। क्या दोनों का मिलन कभी नहीं होगा। जुगनू कितना ही चमके, सूरज को उसकी क्या परवाह। धरती को प्रेम ही करना है तो वो प्रेम करे फीके चांद से, झिलमिलाते तारों से। सूरज इतना तेजस्वी है कि उसे चमक दमक वाली कोई ऊंची आकाश की कन्या ही रिझा सकती है। ठहरो, सूरज सूरज ही है, जलता हुआ, जलाता हुआ, और धरती धरती ही है, तपती हुई, तड़पती हुई। ये दोनों भले ही दूर दूर रहें, मगर किसी ऊंचे आकाश की कन्या को अभिमान नहीं करना चाहिए। ये अभिमान नहीं, सच्चाई है। तो एक सच्चाई और भी है। क्या? धरती की तड़प और सूरज का ताप, इस तड़प और उस ताप का टकराव ही उनका मिलन है। वाह! प्रेम का मिलन। सुना सुना तुम सबने, यही वो रहस्य है, महान कल्पना जिसकी हमें खोज थी। साक्षर संगीतकार, आओ केदार, आओ भैरवी, आओ धरती। तुम ही धरती हो अलकनंदा। धरती, संगीत के स्वरों के आधार पर धरती और सूरज की प्रेम कहानी।
अभी तो मैंने दरवाजा बंद किया था। लगता है हमें यहां से जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। नहीं। तो क्या चाहती हो तुम? तो क्या चाहते हैं आप? अरे वाह, मेरी बिल्ली और मुझी को मैं? न बिल्ली न म्याओ, बल्कि एक लड़की जो अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं किसी दूसरी लड़की से, चाहे मुझे कैसा ही वार करना पड़े, सीधा या टेढ़ा। सीधा या टेढ़ा? सीधा या टेढ़ा? सीधा या टेढ़ा? बड़े मूड में है जी। हाँ, हेल्थ परमिट के मेहरबानी से। जैसे हेल्थ के नाम पर हेल्थ परमिट, जिसका मतलब होता है शराब और शराब, वैसे ही ललित महल में नृत्य और संगीत के बहाने सेक्स परमिट, जिसका मतलब है थिरकते पाव और लचकती कमरिया। मतलब जो गरीब भी फंस जाए उसकी, ललित महल की सब छोकरियां और खासकर बेचारी अलकनंदा। कुछ आपकी दाल भी करी कि नहीं? नहीं, बड़ी मूर्ख है वो अलकनंदा। चोंच खोलती है पर फड़फड़ाती है तो सिर्फ कैलाश के ताल पर। उसकी पत्नी बनने? जी नहीं, जो बनना था बन चुकी। क्या? दाश्ता रखे। राजू, मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी और कहा। आप ही अनिलनंदा के पिता हैं? वो आप ही की बेटी है? हाँ, आप ही की बेटी, आप ही की। मैं तुम्हें लेने आया हूं, घर चलो अभी ऐसे ही। देखो, अगर डांस सीखना है तो घर पे सीखो, मैं एक डांस मास्टर रख दूंगा, वादा करता हूं। नहीं, मुझे डांस मास्टर नहीं चाहिए। तो गुरु? तुम्हारा मतलब है कैलाश जी? गुरु या एक रणवास का मालिक? नहीं, ये झूठ है, झूठ है। वो पवित्र है, उनके बारे में ऐसी बात सुनना भी पाप है। ये पाप है तो पवित्रता क्या है? हमारी कला। तो तुमने फैसला कर लिया यहां से जाओगी नहीं? हाँ। यही रहोगी? हाँ। किस लिए? कला के लिए। क्या ऐसी कला कहीं और नहीं मिलेगी? नहीं। ऐसा गुरु? नहीं। ऐसा कलाकार? नहीं। ऐसा प्यार? नहीं। इसका मतलब है तुम उससे प्यार करती हो? हाँ, करती हूँ। और वो, क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? वही जाने। तुम उसकी दास्ता बनकर रहना चाहती हो, उसकी रखेल? पिताजी, आप जा सकते हैं अपनी दुनिया में। जी चाहता है तुझे जान से मार डालो। अलकनंदा, ये अकेला ही चला गया और ये यहीं कहीं है। कुछ और सोचना पड़ेगा, चाहे एक तमाचा और भी खाना पड़े। अलकनंदा, अलकनंदा, आज बस। अलकनंदा, ये आज क्या हुआ है तुम्हें? कल के नृत्य के अंत में तुम्हें बड़ी ऊंचाई पर पहुंचकर नृत्य करना है, उस समय लड़खड़ा गई तो? स्वर्ग। तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? ऐसी मृत्यु पाने के लिए भी तो भाग्य चाहिए। मृत्यु पाने वाली का भाग्य, पर जो पीछे रह जाएंगे उनका क्या होगा? मुझे रोने वाला कोई नहीं। कोई भी नहीं है? कोई
फिर पूछो ना। पूछो आपने मुझे बुलाया है? हाँ। अलकनंदा, तुम्हारे पिताजी आए थे ना? जी। तुम्हें घर ले जाने? जी। और तुमने जाने से इनकार कर दिया? जी। ये कहकर कि तुम कैलाश से प्रेम करती हो? ये हमारा खजाना है, राजघराने का खजाना। आज से ये सब तुम्हारा। मेरा? मगर मैं तो कम है तो ये ललित महल भी तुम्हारा। तुम जब कहो हम इसे छोड़कर चले जाएंगे। माँ जी? माँ जी नहीं, राजमाता। राजमाता, ये सब किस लिए? तुमसे एक राजकुमार ने प्यार किया है, क्या उसका कोई मोल नहीं? नहीं, वो एक हीरा है, अनमोल। उन्हें दौलत में मत तोलिए। मगर तुमने जो प्यार किया है? सिर्फ प्यार किया है, कोई अधिकार नहीं जताया राजमाता। क्यों नहीं? तो प्यार ही क्या हुआ? अलकनंदा, घराने के खजाने में एक चीज कम हो गई थी ना मेरे आने से। और ये वस्त्र सफेद, इस पे आपके राजघराने का कोई रंग नहीं। ठहरो, अब क्या चाहती हैं आप? जो चाहती हूँ कर नहीं सकती। अलकनंदा, मैं एक माँ ही नहीं राजमाता भी हूँ, जिसके कंधे पर हमारे राजवंश की देवी माँ की ये पवित्र निशानी है, और इसमें ये जहर भरी शीशी। लाइए। नहीं, इसे सिर्फ ललित महल की राजमाता ही पी सकती है। वचन देकर उसे भंग करने का प्रायश्चित कर। ऐसा नहीं हो सकता। मगर मैंने वचन दिया था कि कैलाश का ब्याह रूपमती से होगा। होगा। मैं अभी चली जाती हूं। अलकनंदा, कैलाश ने अपने नए संगीत को तुम्हारे नृत्य में ढाला है ना? जी। तुम इस तरह चली गई अचानक तो उस संगीत का क्या होगा? तो क्या चाहती है आप? जब तक संसार धरती और सूरज की प्रेम कहानी न सुन ले, तुम्हें यहीं रहना होगा। और क्या चाहती हैं आप? उसके बाद तुम्हें चले जाना होगा। हाँ, चले जाऊंगी। उसका दिल तोड़कर। बाजी।
लेकिन किसी को मालूम न हो कि ये बात मैंने तुमसे कही है। नहीं वो होगा। और फिर उसके टूटे हुए दिल के घाव, वो फिर एक दिन मेरी ममता से भर जाए, मेरी रोग सिसकति अभागिनी अपराधी ममता से। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? ये क्या? होंठों पे हंसी, आंखों में आंसू। मगर वो भी हंसते हुए। आज हमारा शो है ना, धरती और सूरज की प्रेम कहानी का। आज धरती सूरज से कहेगी, मैं तुमसे कहीं और भी दूर चली जाऊंगी, खो जाने बिल्कुल ही, कुछ ऐसे कि मुझे भी पता नहीं चलेगा कि मैं कहां हूं। क्या कहा तुम? धरती। मगर ये विरह और त्याग का खेल बड़ा कठिन है ना। तो क्या हुआ, क्या त्याग ही प्रेम का मधुर राग नहीं? क्या विरह की तान ही सबसे मीठी तान नहीं? वही तो क्या? न मधुर राग, न धरती, न उसकी प्रेम कहानी। मतलब? एक्सीडेंट, हादसा, मौत, आज ही। नित्य होते समय। सजके अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, तारों में सजके अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, झलकी पा गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। Thank you.
चल जैसे धनक खिलने तारों में सजके अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने आग सी लपके जलती हुई राहें को दहलाए बेचैन तूफान की आहें कहाँ दिल ने तारों में सजके अपने सूरज से देखो धरती कभी मिलना देखो धरती कभी मिलना
मैं मर जाऊंगी। ये आपका एक्सरे, रीढ़ की हड्डी की पैकिंग थोड़ी खराब हुई है, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। कुछ दिन प्लास्टर पर रहना पड़ेगा, जरा भी हिले बिना। प्लास्टर या बेड़िया? नहीं नहीं, मुझे प्लास्टर नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, नर्स नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं जकड़ सकता, न किसी की नफरत न किसी का प्यार। अलकनंदा, मेरे पैर सुन हो रहे हैं डॉक्टर। आपको कुछ महसूस होता है? नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, मेरे पैर इस दर्द से तो मौत अच्छी। कोई रिस्पांस नहीं, उनकी सब नसें सुन हो गई है, फौरन ऑपरेशन करना होगा, वरना पैरालिसिस, फालिज, सारा बदन सुन। ऑपरेशन? हाँ, इमरजेंसी ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी का, बड़ा नाजुक और खतरनाक, जो सिर्फ डॉक्टर वर्मा ही कर सकते हैं। लेकिन वो तो आज दिल्ली जा रहे हैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, वो उसके चेयरमैन हैं। कुछ भी हो, रोकना ही होगा उन्हें। सुनिए, अलकनंदा डॉक्टर वर्मा ही की बेटी है। हेलो डॉक्टर वर्मा, मैं बैनर्जी बोल रहा हूँ, एक ऑपरेशन है, इमरजेंसी, एक लड़की का रीढ़ की हड्डी का। जी, नाम है अलकनंदा। हाँ हाँ, अलकनंदा आप ही की बेटी। ठीक अभी, अब नहीं। आई एम सॉरी डॉक्टर बैनर्जी, मैं ही एक सर्जन नहीं हूं दुनिया में। तुम? मैं जानता हूं तुम क्यों आए। और ये जानते हुए भी आप? ये मेरा घरेलू मामला है, वो मेरे लिए मर चुकी है। अलकनंदा ना, मगर वो जो अभी मरी नहीं, एक डॉक्टर के लिए। मुझे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाना है। क्या सकेंगे आप? ना समझ, ऑपरेशन करते वक्त मुझे गुस्सा आ गया, मेरे हाथ कांप गए, वो मर गई तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर। ऑल राइट, डॉक्टर बैनर्जी, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। डॉक्टर, घुंगरू तुम्हारे दिए हुए माँ चुप हो रहे हैं। Thank you.
डॉक्टर। डॉक्टर बैनर्जी अलकनंदा। शी इज ऑल राइट, ऑपरेशन कामयाब। सच? धन्यवाद। चुप हो गए अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा, तुम मेरी हो ना? अच्छा होना चाहती हो ना? पगली। डॉक्टर, एनेस्थेशिया का असर है। नाउ यू शुड नॉट डिस्टर्ब हर। जाइए, आप भी आराम कीजिए। जब तक डॉक्टर कहें। क्या कहते हैं डॉक्टर? नाच तो सकूंगी ना? वही जाने। नहीं, नहीं। ये क्या कहते हैं आप? ये ना सकेंगे, जरूर ना सकेंगे। हाँ, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। पर तुम नाच नहीं सकोगी। तुम कौन हो रोकने वाले? जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्या है ये? सॉरी, मुझे सच नहीं बोलना चाहिए था। डॉक्टर, मुझे जहर दे दो, जहर सहन नहीं होता। नर्स, ब्रांडी और ऑरेंज जूस। ब्रांडी? ऐसी हालत में कभी कभी ब्रांडी ही दर्द को दबा देती है। डॉक्टर, कैसी दवा है ये? नहीं नहीं, ये नहीं। अलकनंदा, इधर देखो, मेरी तरफ। Thank you.
हो गए हमारे गर्दन को। घबराइए नहीं हुजूर, बंदा सब ठीक कर देगा। आ, 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 कितना नरम है तुम्हारा हाथ, है ना? हाँ। यहाँ तो सभी नरम नरम है, राजकुमार का दिल भी कितना नरम है, पिघलने वाला है ना फिर भी। हाँ हाँ, हाँ। तभी तो वो दो महीनों से रात रात भर जागते हैं मोमबत्ती की तरह, एक मामूली लड़के के सिराने। हाँ, इसी का नाम शराफत है। हाँ, शराफत ठीक है। अरे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पर केदार, इतनी सेवा करने पर भी उस लंगड़ी का पाव ठीक न हुआ तो नहीं तो क्या करेगी वो, कहाँ जाएगी? कहीं नहीं, यहीं रहेगी। यहीं? हाँ, यही यही यही। मगर किस हैसियत से? अंकल रॉयल। हाँ, अरे आप
मुझे जान से मारना चाहते हो क्या? नहीं हजूर, मैं तो आपके टेढ़े विचार, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपकी टेढ़ी गर्दन को झटका देकर ठीक कर रहा हूँ। अरे ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं हजूर, ये है झटका। ये रही आपकी सारी जायदाद। पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम। क्यों बेटा, कोई खास बात? हाँ माताजी, माताजी मैं सोचता हूँ कि अलकनंदा की हालत संभले तो उसे ललित महल में ले आए। बस इतनी सी बात तो ले आएंगे, मगर वो बेचारी अब नाच तो नहीं सकेगी बेटा। शायद नहीं, मगर मगर मैं उसे किसी और हैसियत से लाना चाहता हूँ। कोई और हैसियत? आपकी बहू बनाकर। बहू? आपकी आज्ञा हो तो। मेरी आज्ञा? पहले उससे तो पूछ लो बेटा। पूछ लो तो इसका मतलब है मिल गई आपकी आज्ञा। हेलो डॉक्टर, सुनिए ये बैसाखियां आप, ये मैं अलकनंदा जी को दे तो अच्छा होगा। अब यही उनके पांव है, यही उनका सहारा है। बाया पांव बहुत कमजोर हो गया है, जरा भी दबा पड़ा तो रीढ़ की हड्डी पर फिर से बुरा असर। लेकिन ये कितने दिनों तक? शायद चंद दिन या हमेशा के लिए। हमेशा के लिए भी? आपने अलकनंदा से कुछ कहा? हिम्मत नहीं हुई। नई बहार, नई जिंदगी का स्वागत करने। नई जिंदगी? अलकनंदा, अभी तक तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन तुम्हारी सच्ची कसौटी अब है। ये बहाना किस लिए? कह दो ना मैं लंगड़ी हो गई हूँ। ऐसा नहीं अलकनंदा, सिर्फ कुछ दिनों। बैसाखी यहाँ लाने के लिए कहो ना। बैसाखी? किसने तुमसे कहा? बोलो किसने कहा? अल्फा, मैं तुम्हें ललित महल ले जाना चाहता हूँ। ये देखने कि एक लंगड़ी कैसे थिरकते है तुम्हारी ताल पर। नहीं अल्फा। तो मैं क्यों जाऊँ? क्यों? दुल्हन बनने। ललित महल की बहू। ये क्या? सगाई का नेकलेस। सगाई का नेकलेस? राजमाता, तुमने हाँ कह दी तो वो ना नहीं कहेंगे। अलका, मजाक आपने उड़ाया, हंसी मुझे आ गई। मजाक? क्या बड़े लोग मुझ जैसे लंगड़ी लड़की उसे प्यार करते हैं? क्यों नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अलका। ये प्यार नहीं, कुछ और है। और? दया, तरस। नहीं अलका, नहीं, मुझे अपने संगीत की कसम। भौरा भी रोज कसमें खाता है अपने संगीत की, कली कली मनराता उनका रस चूसता। अलका, ले जाइए इसे। अलका सच बोलो, क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? नहीं, वो एक ढोंग था। ढोंग? नृत्य सीखने,
सिर्फ नृत्य सीखने। दो तार जो मेरे दिल में झंझना उठे तुम्हारे आने से। वो ललित महल का श्राप है, जाइए यहाँ से। अलकनंदा, तुम्हारे आने से पहले मैंने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, मगर अब मुझे नफरत हो गई है सारी स्त्री जाति से। तुम नहीं तो क्या, मेरा संगीत तो है संगीत। परीक्षा का समय। तुम यहां चली जाओ, चली जाओ। मुझे अब किसी भी औरत का मुंह नहीं देखना है, चाहे उसका रूप कैसा भी हो, पद्मिनी, चित्रिनी, शंखिनी, हस्तिनी, तुम सब एक जैसी हो, धोखा, फरेब, कपट, विश्वासघात, तुम भी, तुम, नहीं, 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 तुम तो माँ हो। अलकनंदा कहाँ गई? अलकनंदा कहाँ है डॉक्टर? सुबह से यहाँ नहीं, जाने कहाँ गई? मिले? जी नहीं, सारा हॉस्पिटल देख जा रहा। कहाँ गायब हो गई? गायब हो गई। सुनिए, अलकनंदा अस्पताल में नहीं है, कहीं चली गई। अच्छा ही हुआ, उसने हमें धोखा दिया, मुझे, सबको, यहां तक मेरे संगीत को भी। सिर्फ अपनी खुशी देखी,
अपने ही? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये देखें। क्या है ये? उसका पत्र। होगा। पिताजी मुझे दुख है कि मैं आपकी बेटी न बन सकी जैसे कि आप चाहते थे। किसी की कुछ न बन सकी। नृत्य की झनकार ने मुझे आपका घर छोड़ने पर मजबूर किया और अब सब कुछ त्यागने पर, वो भी जो मुझे मिल सकता था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। कैसे नहीं? राजकुमार कैलाश का तो जरा भी नहीं, वो तो एक देवता है, मिट्टी का देवता, जिसे उसने खुद बनाया अपने हाथों से और खुद ही तोड़ फोड़ दिया ठोकर मारकर। वो तो एक देवता है मेरे और मेरी कला के। ढोंग, सब एक ढोंग। और यह नेकलेस जो मुझे उस देवता ने दिया, उन्हें नहीं राजमाता को दे दीजिएगा, वो समझ जाएंगी कि मैं क्या कर रही हूं, क्यों कर रही हूं। आपकी विद्रोही लड़की अलकनंदा क्यों कर रही है? मां, आपने मुंह क्यों फेर लिया? ये नेकलेस आपके लिए क्यों छोड़ गई? बताइए क्यों चली गई हो ऐसे? आप चुप क्यों हैं? बोलती क्यों नहीं? मां, मैं सिर्फ एक मामूली बेटा बन के जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं अलकनंदा को ढूंढ के रहूंगा। अगर वो ना मिली तो याद रखिए, किसी मां की गोद नहीं भरेगी, किसी संगीत की गूंज सुनाई नहीं देगी। Excuse me. Yes, please. आज की ट्रेन से कोई लड़की तो नहीं गई? रोज जाती है बहुत सी, पर आज अकेली बेसाखियों के सहारे चलती हुई। साथ में फूलों का गुलदस्ता? गुलदस्ता? हाँ। तो एक गई है आज सवेरे। किस गाड़ी से? दक्षिण एक्सप्रेस। दक्षिण एक्सप्रेस? तो उसे रोकना होगा। इंस्पेक्टर? Yes. अरे इस स्टेशन पर तो ये एक्सप्रेस कभी नहीं रुकती, आज क्यों रुक गई? वो देखो। जाओ तुम वहां से गाड़ी चेक करो, तुम यहां से। कोई लंगड़ी लड़की तो उस डब्बे में नहीं है? ऐसा की वाली जी नहीं। अरे भाई इधर कोई लंगड़ी लड़की है? मिली? नहीं, सब डबे दे डाले। और राइट गार्ड तुम जा सकते हो। साहब उधर कोने में से कौन गया है? वो चप्पू तो नहीं? चलो देखे। वाह क्या छोक रही है। अच्छा धोखा हुआ। चलो मारकर खत्म कर देंगे। हेलो विशाल, ये क्या? ये सचमुच लंगड़ी है। रमन्ना क्या देख रहे हो? हमारा तरीका है जिसे हम ना पहचाने वो भी किसी को ना पहचान सके। चुप। ये हमारे काम आएगी। पर ये लंगड़ी भी है और गूंगी भी, इसीलिए भैया ले जाओ इसे अड्डे पर।
ये न भाग सकेगी न बोल सकेगी, खाना पकाएगी और हमारे होने वाले सरदार की देखभाल भी करेगी। ले जाओ, चलो चलो। सुनिए, कल रात दक्कन एक्सप्रेस यहाँ रोक ली गई थी ना? जी हाँ, आप ललितपुर से आए हैं? हाँ, बैसाखी वाली लड़की का कुछ पता चला? जी नहीं, पुलिस वालों ने सारी ट्रेन देख डाली मगर वो नहीं मिली। नहीं मिली? ये फूल कहीं उसी गुलदस्ते का तो नहीं? राजकुमार का पत्र। कैलाश का? जी। पढ़िए। पूज्य माता जी, सादर प्रणाम। मैं ये पत्र एक बेटे की हैसियत से लिख रहा हूँ, ऐसी जगह से जहां से मैं जिंदा वापस आ भी सकता हूँ और नहीं भी। मेरा मन कहता है कि अलकनंदा यहीं कहीं है, वह मुझे जरूर मिलेगी। एक कलाकार को अगर कला सच्ची है तो। बंदूक की गोलियां? अरे तो मस्त भी है, तो किस काम के दीदी? तो बंदो बनती क्यों नहीं? उसे पांव में बांधने से आदमी मर जाता है क्या? खुश हो जाता है तो बंदो? क्या हो रहा है छोटे सरदार? देखो ताई मन्ना, नई बंदूक की गोलियां, तुम भी अपने पांव में बांध के देखो, बड़ा मजा आएगा। ये क्या तमाशा है छोकरी? इसे एक दिन हमारा सरदार बनना है और तुम इसके पांव में घुंघरू बांध कर इसे भान बनाना चाहती हो? चलो उतारो इन्हें, भाला मारना सीखो, गोली चलाना सीखो। मैं लाता हूँ गोलियां। मेरा बाप वो सबका बड़ा सरदार था, वो डाकू डालने गया था। ट्वाई 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 मर गया। माँ वो उठाओ उठाओ, मर गई। मैं भी सबका बड़ा सरदार बनूंगा, डाकू डालने जाऊंगा। उठाओ उठाओ उठाओ, मैं भी मर जाऊंगा क्या? ये आवाज कैसी है? यहाँ नजदीक भैरव दर्रा है,
वहीं से आवाज आती है, ओम हरि ओम। भैरव दर्रा? हाँ, वहां साधु संत नीचे दर्रे में कूदकर अंतिम समाधि लेते हैं। लगता है हम रास्ता भूल गए। बस स्वामी बस, अब आगे नहीं, पैसे दो। पैसे? हाँ, पैसे वहीं पड़ाव पर। पड़ाव पर? ठीक है, तो आगे। मैं आगे, तुम पीछे। हाँ जी, आओ फिर। कहीं वो पुलिस का आदमी तो नहीं है? कोई भी हो जो हमारे इस अड्डे को देख लेता है, वो यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकता। चलो। सुनना भाई, हम रास्ता भूल गए। अच्छा ही हुआ। मतलब? मतलब कि मैं मिल गया बाबू, कोई दूसरा नहीं। कहाँ जाना है? जिधर रास्ता मिल जाए। यहां से जाने के लिए एक ही रास्ता है बाबू, उधर उन पेड़ों के पीछे। धन्यवाद। बंदूक, इसे आज ही खत्म कर दूंगा। तो तुम गूंगी नहीं हो? अरे कोई आवाज सुनी? सुनी, यही ओम हरि ओम। ये नहीं किसी लड़की की आवाज। लड़की की नहीं, आपके कान बजे होंगे स्वामी। चलो चले। अब तुम बच नहीं सकती। बचना कौन चाहता है, चला गोली। चले तब ना। अपने संगीत, अपने माताजी के पास।
हाथ बढ़ाओ अलकनंदा। नहीं भैरव दर्रा को बलि मिलनी ही चाहिए। हाथ बढ़ाओ वरना मैं भी अपना हाथ छोड़ दूंगा, जहां एक बलि वहां दूसरे भी। से दूर हो गए। ये तुम्हारा वहम है अलकनंदा। मुझे देखो देखो, मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें वापस ले जाने, तुम्हें अपनाने। नहीं अलकनंदा, अब तुम्हारा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। अब तुम वो अलकनंदा नहीं हो, एक निराश अपंग अलकनंदा। वो तो नीचे कूद पड़ी थी, अब तुम वो हो जिसे मैंने बचाया है। एक नई आस, नई चमक, बिजली। मेरे दोनों पांव, नृत्य बिन बिजली। तुम फिर यहां? अलकनंदा की हालत और भी खराब हो गई है। नहीं डॉक्टर, आप इस तरह नहीं जा सकते, आपको आना ही होगा मेरे साथ। अभी अलकनंदा को देख रहे हैं। ना आना चाहूं तो? ऑपरेशन आपने किया है। लेकिन तुम कौन होते हो उसके हर बार मुझ पर इस तरह दबाव डालने वाले? उसका होने वाला पति। तुम शादी करोगे एक लंगड़ी से? आपकी बेटी से। तो पहले क्यों नहीं कहा तुमने? हर बार एक नया नाटक, जैसे जैसे नाटक ही सब कुछ है। जिंदगी कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं। कहां है वो? इंजेक्शन देना चाहता हूं, तुम जरा। ये क्या पागलपन है बेटी, तुम यहां से भाग क्यों गई थी? कैसे भूल गई कि तुम्हारा एक घर भी है, अपना घर, तुम्हारे एक पिता भी हैं, जो भी है। पिताजी, एक बात बताइए पिताजी, मगर सच, मुझे अपने खोए हुए पांव मिल जाएंगे ना? बताइए ना, मैं फिर नाच सकूंगी ना? आपको उस आंसू की सौगंध जो आपने छिपा लिया है, नहीं। पिताजी देखिए, देखिए मैं चल सकती हूं। मैं नाच भी सकूंगी। अरे ना, वापस बिस्तर पे ले जा।
डॉक्टर को मरीज से सच नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुम बड़ी जिद्दी लड़की हो, बताना ही पड़ेगा। पांव पहले ही बेकार, अब तुम्हारे आसाब, सारा नर्वस सिस्टम बिगड़ चुका है। एक मामूली सा झटका, जरा सी ठेस तो पैरालिसिस, सारा शरीर सुन बेजान, और तुम मर जाओगी बिस्तर में पड़े पड़े। मौत को धीरे धीरे अपनी तरफ आते देखकर अपनी फटी फटी आंखों से अलकनंदा नाच नहीं तो मेरा जीवन किस काम का इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। बेटी मैं एक डॉक्टर ही नहीं पिता भी हूं। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, अपनी माँ की एक ही निशानी। वो मुझे छोड़ के चली गई तो मैं अकेला रह गया। अब अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेला भी नहीं रह सकता। पिताजी चुप रहो बेटी, चुप हो जाओ गुरु, चुप। मैं भी चुप। आप खुले तो एक गोली। यस सर। कैलाश तुम घबराइए नहीं, समझ गया। गुरु चुप तो सास भी चुप। सास भी चुप तो जो इतनी तपस्या की है तुमने संगीत के लिए जीवन भर, उस पर पानी फेर दोगे? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम ऐसा सोचोगे तो मैं प्रार्थना करूंगी कि कल के बजाय आज ही मर जाऊं। तुम बड़ी जिद्दी लड़की हो। जिद्दी नहीं, एक मामूली सी लड़की। अलका केदार भैरवी आओ, सब आओ। एक नया संगीत, नई संगीत रचना, एक मुरझाए हुए पौधे को सींचने के लिए। अलकनंदा फिर वापस आ गई। अलकनंदा नहीं, तुम्हारी हार। हार जीत तो लड़ाई के बाद मालूम होती है। अभी तो सिर्फ एक गोली चली है इधर से, मगर नतीजा गोली वापस, निशाना अपनी जगह। लेकिन अब गोली पे गोली, जंग का ऐलान। कोई था? मुझे शक है, हम पे किसी की नजर है। ऐसा तो नहीं हमें अपने आप से डर लगता हो? हाँ, हो सकता है। शुक्र है देवी माँ, मेरा बेटा फिर मुझे मिल गया है। पिछले चंद महीनों से ललित महल फिर मुस्कुरा उठा है उसके संगीत से, तेरी कृपा से और अलकनंदा के प्यार से।
जिसके साथ ही मेरा बेटा सुखी रह सकता है। और क्या चाहिए एक माँ को? मैं खुश हूं कि आज एक बार मेरा बेटा फिर दुनिया के सामने जाएगा अपनी नई संगीत रचना के साथ। तो मुझे भी शक्ति दे देवी माँ कि अपने बेटे को सफलता की चरम सीमा पर देखने के बाद आज मैं भी अपने धर्म का पालन कर सकूं एक राजमाता होने के नाते, और इस राजवंश की रीति के साथ ही मिट जाऊं। आज वो दिन आ पहुंचा जिसका हमें इंतजार था। मुझे भी। तो अभी तक यहाँ क्यों हो? आओ मेरे साथ। संगीत प्रेमी देश के कोने कोने से आए हैं हमारी कला को परखने। अलकनंदा, आज तुम मेरी आंखों के सामने ही रहना, जरा भी ओझल ना होना, वरना मेरे हाथ थम जाएंगे। की सेवा में मैं अपनी नई संगीत रचना एक नए नृत्य के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, नव जीवन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य जैसे अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है। नव जीवन मुख्य नृत्य कलाकार केदार और भैरवी। भैरवी नहीं, अलकनंदा। अलकनंदा नहीं, नहीं, अलकनंदा नृत्य नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? तो फिर उसका नाम क्यों दिया इस एडवर्टाइजमेंट में? अलकनंदा का नाम ये किसने दिया? आपके सिवा इसका नाम कौन दे सकता है इश्तिहार में? मैंने नहीं, अलकनंदा का नाम छुपा कर किसी ने शरारत की है। कुछ भी हो, अलकनंदा को ही नृत्य करना चाहिए। नहीं, अलकनंदा नृत्य नहीं करेगी। उसे नृत्य करना ही होगा, नहीं तो मार लगा देंगे। मैं नृत्य करूंगी। नृत्य तो वो मर जाएगी। ठहरिए, नहीं तो ये गोली। नहीं अलका, अपनी जान से मत खेलो, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। मगर मेरे लिए तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू ही सब कुछ है। ये जो तुम्हारा अपमान हो रहा है मेरे लिए मौत से भी ज्यादा भयानक है। नहीं अलका, फेंक दो पिस्तौल। नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब आपको फैसला करना है कि मैं कैसे मरूं, ऐसे या नृत्य करते करते। अलका, thank you.
नहीं, मैं यमराज। तुम जैसे दुखी जीवात्माओं के बेकार शरीर ले लेता हूं ताकि उन्हें नए शरीर मिले और इस जीवन में अधूरी रही हुई उनकी आशाएं पूरी करने के लिए उन्हें नवजीवन मिले। नवजीवन। अब तुम ना सको, तुम्हारे पांव अच्छे हो गए। अब क्या होगा? ये पास अभी उल्टा पड़ा। तो क्या हुआ? अभी राजमाता का दिया हुआ वचन तो बाकी है। आओ। तुम कुछ लोग पर्दे के सामने रहते हैं और कुछ पर्दे के पीछे। देखो ये पासपोर्ट, असली रूपमती का। इससे असली रूपमती का फोटो निकालकर तुमने अपनी बेटी का फोटो चिपका दिया इस नकली रूपमती का। इसका सबूत? सबूत? ये फोटो पेरिस से मंगवाया है, असली रूपमती का है ना? कुछ नहीं मेरे लिए, अलकनंदा। ये किसी के लिए भी नहीं। वो सच क्या है? राजमाता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं असली रूपमती नहीं। क्या? असली रूपमती तो हवाई जहाज के गिरने से मर गई थी। मैं चमन राय की बेटी हूँ। मैंने जो कुछ किया, कभी उनकी बेटी होने के नाते और कभी अपनी हार न मानने वाली एक लड़की होने के नाते, मुझे क्षमा कर दीजिए। अलका, तुम यहाँ? तुम्हारे नेत्र और तुम्हारी इच्छा शक्ति के सामने मैं साक्षी हार गई। और एक डॉक्टर भी। पिताजी। बेटी, मेडिकल साइंस में चमत्कार नहीं होता, पर आज मानना पड़ा कि एक शक्ति वैद्य शास्त्र से भी ऊंची है, इच्छा शक्ति। पर मेरी इच्छा शक्ति फेल हो गई। देखिए, मेरी हिस्से की मिठाई मुझे जेल में भिजवा दीजिए, इनकी शादी की खुशी में। अलकनंदा, मेरी बहू बनोगी ना? राजमाता की नहीं, आपकी।